नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये ग्लैमर जो कि BS6 A5 वेरिएंट है, जो कि करंट मॉडल है और गाड़ी भी एकदम वेल कंडीशन में है। मैं दिखाता हूँ गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। गाड़ी सिर्फ 12,886 किलोमीटर ये गाड़ी रन हुआ है। सिर्फ इतना किलोमीटर चलने पर ही ये गाड़ी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम लेके आया है मेरे पास। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ये गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं ले रहा है। जो लोग BS6 का काम देख के डर जाते हैं, आज मैं उनका डर खत्म कर दूंगा। आप देख सकते हैं गाड़ी का इग्निशन ऑन है, मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ लेकिन सेल्फ काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं किक भी यूज करूंगा, देखते हैं किक से गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं होता है। किक से ये गाड़ी स्टार्ट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि किक में तो कंप्रेशर ही नहीं है। इसको मैं अपने हाथ से मार सकता हूँ। देखिए किक दूसरा रीजन से भी फॉल्स हो सकता है। अगर क्लच प्लेट खराब हो तो भी ये किक फॉल्स करेगा, क्योंकि ये गाड़ी कस्टमर ने धक्का देके मेरे पास लेके आया है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता इसका क्लच प्लेट का क्या कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे फ्यूल पंप का मोटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए मैं साउंड आपको सुनाता हूँ। चल रहा है, तो इसका मतलब है फ्यूल पंप का मोटर काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे करंट सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद स्पार्क प्लग भी चेक करेंगे कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को काम करना है, उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। स्पार्क प्लग में कार्बन का मात्रा ज़्यादा नहीं है, उसको काम ठीक से करना चाहिए। अब चेक करते हैं इसमें करंट सप्लाई ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए करंट का सप्लाई तो ठीक से आ रहा है, जैसे कि आना चाहिए। कंप्रेशर का क्या कंडीशन है चलिए अब चेक करते हैं। अगर गाड़ी में कंप्रेशर ठीक है तो जैसे ही मैं किक यूज करूंगा तो जहां पे मैं उंगली रखा हूं वहां से हेड के अंदर से एयर का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ आएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कंप्रेशर ठीक है। अगर एयर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कंप्रेशर डाउन है, लेकिन इस बाइक में कंप्रेशर ओके है। तो किक फॉल्स होने का जो रीजन है वो क्लच प्लेट से आ रहा है। तो फिलहाल तो इस बाइक को स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लच प्लेट को देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं के BS6 का हीरो ग्लैमर में क्लच प्लेट कैसे असेंबली किया जाता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि क्लच प्लेट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे बैटरी का हेल्थ कैसा है। तो इस बैटरी का हेल्थ बिल्कुल डाउन है, तो हो सकता है इसीलिए सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करके मैं फिर से सेल्फ यूज़ करूँगा, देखते हैं सेल्फ काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल बैटरी लगाने के बाद भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होता है स्टार्ट फेल्यूर का, हमने सब जगह में चेक किया है, कहीं पर भी स्टार्ट फेल्यूर का इशू सामने नहीं आया है। तो आखिरी चरण में हम लोगों के पास आता है ये जो फ्यूल इंजेक्टर, तो इसको चेक करना अभी बाकी है। फ्यूल इंजेक्टर का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से फ्यूल सप्लाई देता है कंबर्शन चेंबर में। अगर प्रॉपर तरीके से फ्यूल सप्लाई नहीं देगा तब गाड़ी स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है। अब मुझे देखना है इस फ्यूल इंजेक्टर से पेट्रोल प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट मेरे सामने है, इस फ्यूल इंजेक्टर से पेट्रोल का सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन करके क्या रिजल्ट सामने आता है।
फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन करने के लिए मैं WD-40 का यूज़ किया हूँ। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है कि फ्यूल इंजेक्टर को कैसे प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है, तो इसके लिए मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा। देखिए अब पेट्रोल कितना प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रहा है। चलिए अब इसको फिटिंग करते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो देखा दोस्तों, सिंगल सेल पे गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों सही तरीके से और सही नॉलेज से अगर काम करेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं, चाहे वो BS6 हो या फिर आने वाला BS7 हो, किसी भी गाड़ी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉपर काम होगा, प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा कस्टमर को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माई ऑल व्यूअर्स।